हे गाइस गाइस, मैंने मंगाया एक प्रिंटर। एक मोटा मोटा सा रिव्यू दूंगा इसके बारे में मैं आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने मंगाया है ये अमेज़ॉन से। तो आप सबसे पहले तो ये मॉडल देख सकते हैं कौन सा मॉडल है। गाइस, ये मॉडल है डेस्क जेट 2131 प्रिंट स्कैन कॉपी। तो गाइस, इसमें जो भी फीचर्स हैं मैं सब कुछ डिटेल से आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं हम। तो गाइस, आते हैं पीछे की तरफ। इसमें पीछे क्या क्या यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे दो केबल के मोड दिए हुए हैं, एक यहाँ पे है और गाइस एक यहाँ पे दिया हुआ है। और गाइस, यहाँ पे इसके सीरियल नंबर वगैरह दिए हुए हैं। तो गाइस चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब इसको फीचर्स के बारे में दिखाते हैं इसे। तो गाइस, सबसे पहले पीछे से दिखाते हैं जो ये वाला यहाँ पे जो ये स्टिक सी लगी हुई है, इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं और इस साइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ये फर्स्ट फीचर है इसका। यहाँ पे डालते हैं इसमें पेपर, जहाँ से हम इसमें प्रिंट करने के लिए जो पेपर लगाते हैं वो यहाँ पे लगते हैं इसमें पीछे की तरफ। जो बड़े होते हैं उनमें आगे की तरफ लगते हैं। और आगे की तरफ आते हैं तो गाइस, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, एक तो इस तरीके से नीचे हो जाता है और अंदर कोई पेपर फंसता है तो उसके लिए ये वाला दिया हुआ है। इसको हम हल्का सा दबा के इसे खोल सकते हैं, अंदर का हम सब कुछ देख सकते हैं इसमें। और इसको बंद यहाँ से ऐसे ही ईजीली कर सकते हैं। तो गाइज, ये बहुत छोटा है, जैसे पेपर निकलता है तो पेपर यहाँ तक आएगा समथिंग। तो उसके लिए एक फीचर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब पेपर पूरा यहाँ तक आ जाता है, अब देख सकते हैं आप, अब लग रहा है प्रिंटर सा। और गाइज, फोटोकॉपी करने के लिए यहाँ पे इसमें इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे ये पेपर रखे हुए हैं पहले से ही 2-4। हम इसे स्कैन भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। और इसमें कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये वाले, जैसे कि ऑन ऑफ करने के लिए, फ़ोटो कॉपी करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, पीडीएफ वगैरह बनाने के लिए, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो गाइज, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसको उठा के हम इजीली कहीं पे भी ले जा सकते हैं, बिकॉज इसमें जो वजन है बिल्कुल भी नहीं है। एक हाथ से हम इसको उठा सकते हैं इस तरीके से आसानी से। ज़्यादा वेट इसमें है नहीं, बिल्कुल लाइट वेट है और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसको अगर इस तरीके से रख दें, अगर हमने इसको इस तरीके से सेट करके रख दें, कोई कह भी नहीं सकता कि ये प्रिंटर है। बट गाइज, ये रियल में ही प्रिंटर है, जैसा कि आप देख चुके हैं ऑलरेडी। तो गाइज, अभी इसकी जो केबल्स वगैरह हैं वो मैं अभी लाया नहीं हूँ, बिकॉज इसकी केबल्स हैं जो इसके साथ नहीं आती, वो मार्केट्स में अलग से ख़रीदनी पड़ती हैं। और अभी इसकी केबल्स लेके आता हूँ, फिर आपको इसके प्रिंट भी निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके से प्रिंट आते हैं। ये रंगीन है गाइज, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, बिल्कुल कलर्ड ऐसे फ़ोटो कॉपीज निकालता है। गाइज, इसे परचेज करने के ऑलमोस्ट प्लस पॉइंट ही है, बट एक माइनस पॉइंट है जो मुझे लगा, वो है गाइज, इसकी जो इंक है वो काफ़ी महंगी आती है। जो नॉर्मल प्रिंटर होते हैं, बाकी प्रिंटर, उनकी जो इंक है रिफ़िल करते हैं तो 250-300 में हो जाती है, बट इसकी जो इंक आएगी वो 800 रुपये की बता रहे हैं गाइज, लगभग 800-850 के समथिंग वो पड़ेगी। तो गाइज, कोई बात नहीं, एक बार इसको चालू करके देखते हैं। पहली बात तो इसमें स्याही डलाते हैं और केबल्स लेके आते हैं, उसके बाद आपको प्रिंट निकाल के दिखाते हैं। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, एक छोटा छोटा सा रिव्यू दिया है मैंने। तो गाइज, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं आपसे स्टूडियो में बहुत जल्द अच्छे कंटेंट के साथ। अच्छे से पढ़ाई करिए, घर वालों का ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।